हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ एच पी एस एस बी स्टाफ नर्स पोस्ट कोड नौ नौ सौ तेतीस के क्वेश्चंस के बारे में तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास मैं अभी लेके आई हूँ तो ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एच पी एस एस बी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे तो इसमें जो हमने एग्ज़ाम प्रिपेयर करा है इसमें थर्टी टू क्वेश्चनस जो हैं वो आपके होंगे जीके रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश और नर्सिंग के जो हैं वो हमने सिक्सटीन क्वेश्चन ही आपको प्रिपेयर कर करे हैं वो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम से ले लिए हुए हैं तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने आपके लिए बनाए हैं तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखना अंत तक देखना ताकि आपको इस एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले स्टार्ट करते हैं वीडियो तो यहाँ पे नर्सिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं इनके हम आपको आंसर बताएंगे एक्जैक्ट और जो है इसकी कोई आपको अभी जो है एक्सप्लेनेशन नहीं बताई जाएगी तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इजीली याद भी हो जाएंगे और इम्पॉर्टेंट है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ ट्रांसफ़र थ्रू ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है और ट्रांसफ़र होती है किसके थ्रू यहाँ पे ऑप्शन है टी सेल्स बी सेल्स अल्फ़ा सेल्स या बीटा सेल्स तो इसका करेक्ट आंसर है बी सेल्स आंसर इज़ बी क्वेश्चन नंबर सेकंड ब्लड क्लाउट फ्लोटिंग इन द सर्कुलेशन इज नोन एज अगर ब्लड क्लॉट है एक वो फ्लोट कर रहा है सर्कुलेशन में उसको हम क्या कहेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं एम्बुलस थ्रोम्बस प्लेक या एन्यूरिज्म तो इसका सही आंसर है इसका है एम्बुलस एम्बुलस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइंडिंग इज परसिस्टेंट विद परनीशियस अनिमिया परनीशियस अनिमिया में कौन सी फाइंडिंग आपको मिलेगी तो यहाँ पे ऑप्शन हैं स्ट्रॉबेरी टंग राइस स्टूल बीफी रेड टंग या हाइपोक्रॉनिक आर तो इसका जो सही आंसर है वो सी है बीफी रेड टंग आपको देखने में मिलती है अगर पेशेंट है परसिस्टेंट विद ड्रि पर्नीशियस अनिमिया है अगर पेशेंट को तो उसकी बीफी रेड टंग आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एट ईयर्स ओल्ड विद एन आयरन डेफिशेंसी अनिमिया कौन सी एक्टिविटी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी एट ईयर्स ओल्ड बच्चे के लिए जिसको आयरन डेफिशेंसी अनिमिया है तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं डांसिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स रीडिंग बुक्स या राइडिंग साइकिल्स तो इसका सही आंसर होगा रीडिंग बुक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज इसमें आंसर दिए गए हैं हिमोफीलिया थैलेसीमिया सिक्कल सेल डिजीज या प्योरपुरा तो इसका सही आंसर आपका होगा सिक्कल सेल डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड हर्ट साउंड ड्यू टू जो सेकेंड हार्ट साउंड आपकी होती है वो किसके कारण होती है यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं अयोटिक वाल मिटल वाल टाइगस्पिड वेल्व या फोराम वेल्व तो इसका सही आंसर जो होगा जो सेकंड हार्ट साउंड है वो किसके कारण होती है वो होती है अयोटिक वेल्व के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन इस ईच बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कम्प्लीटेड इन जो हर बीट होती है ह्यूमन हार्ट की वो कंप्लीट होती है कितने टाइम में तो ये आपका जो है क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए इसके लिए आपको ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए तो इसका आंसर है ज़ीरो पॉइंट एट सेकेंड इसके लिए आपको ज़ीरो पॉइंट एट सेकेंड लगते हैं कंप्लीट जो हार्ट कंप्लीट करता है ईच बीट एक बीट कंप्लीट करने में जीरो पॉइंट एट सेकेंड का टाइम लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्स प्रेशर ऑफ बीपी पल्स प्रेशर आपको बताना है बीपी का अगर बीपी आपका वन फोर्टी बाई नाइन्टी एम एम ऑफ एच है तो पल्स प्रेशर क्या रहेगा तो इसमें है 50 एम एम ऑफ एच जी वन फि फोर्टी एम एम ऑफ एच जी नाइन्टी एम एम ऑफ एच जी या नन ऑफ दीज अब तो इसका सही आंसर है 50 एम एम ऑफ एच जी इसका सही आंसर होगा 50 एम एम ऑफ एच जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेन मेडिकेशन ऑफ चॉइस इन अक्यूट माइकार्डियल इन्फॉक्शन इज ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है आपको अगर एक्यूट माइकार्डियल इन्फॉक्शन है और पेन की मेडिसिन आपको दे देनी है तो कौन सी आप दोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं पैथिडाइन हाइड्रोक्लोराइड डेक्लोफनेक कोडीन सल्फेट या मोफिन सल्फेट तो इसका सही आंसर होगा अगर पेशेंट को पेन हो रही है और माइकार्डियल इन्फॉक्शन है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनेगी मोफिन सल्फेट करेक्ट आंसर इज मोफिन सल्फेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजॉक्सिन इज नॉट गिवन वेन हार्ट रेट इज जो डाइजॉक्सिन होती है वो कब नहीं देनी चाहिए जब हार्ट रेट क्या हो तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं बिलो सिक्सटी पर मिनट बिलो सेवेंटी पर मिनट बिलो एटी पर मिनट या बिलो नाइन्टी पर मिनट तो कब नहीं देनी चाहिए ये नहीं देनी चाहिए अगर हमारी जो हार्ट जो बीट है वो सिक्सटी पर मिनट है बिलो सिक्सटी पर मिनट है तो नहीं देनी चाहिए करेक्ट आंसर इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ हेमोरेजिक शॉक हेमरेजिक शॉक की फीचर नहीं है कौन सी नहीं है हाइपोटेंशन ब्रेडिकार्डिया रैपिड एंड पल्स या थर्स्ट सेंसेशन तो इसका सही आंसर होगा हेमोरेजिक शॉक की फीचर हाइपोटेंशन नहीं होती है तो इसका सही आंसर है सॉरी इसका है ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया होगा पेशेंट को वो नहीं होगा हेमरेजिक शॉक में नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडुकेट एडुकेसी ऑफ फ्लूड रिप्लेसमेंट इन पेशेंट विद शॉक इज़ बेस्ट डिटरमाइंड बाय सिस्टोलिक बी पी अबव हंड्रेड एम एम ओ फाइव जी डाइस बी पी अबव हंड्रेड एम एम ओ एव जी यूरिन आउटपुट लेस दैन थर्टी एम एल पर आर या यूरिन आउटपुट ऑफ फिफ्टी एम एल पर आर तो इसका सही आंसर होगा यूरिन आउटपुट ऑफ फिफ्टी एम एल पर आर तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे वो एक दो तीन ऐसे क्वेश्चन भी निकल के आएंगे जिसका आंसर हमने शायद गलत लिख दिया हो तो आप कमेंट में बता सकते हो और आपके लिए बहुत ही मेहनत से आपको ये वीडियो बनाई आप देख सकते हो हैंड रिटन ये नोट्स हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप एग्ज़ाम में पाएंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी वीडियो में से आएंगे तो हम आपके लिए एक दो वीडियो और प्रिपेयर करी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी तो ऐसे ही देखते रहिए और लाइक करते रहिए चैनल को नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए थर्टी एट ईयर्स ओल्ड वुमेन रिटर्न फ्रॉम ए सब टोटल थारडक्टमी फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायरडिज़म अपॉन असेसमेंट पेशेंट है थर्टी एट ईयर्स ओल्ड वुमैन है वो उनको उनकी थायरडेक्टमी हुई है ट्रीटमेंट कर रहे थे हाइपर हाँ थायरडिज्म का अपॉन असेसमेंट असेसमेंट में द इंटरमीडिएट दैट द नर्स वुड इंक्लूड इज असेसमेंट में इंटरमीडिएट दैट नर्स क्या इंक्लूड करेगी यहाँ पे ऑप्शन है असेस फॉर पेन असेस फॉर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस असेस फ्लूड वॉल्यूम स्टेटस या असेस फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो इसका सही आंसर होगा असेस फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन ऑफ रेडियो आयोडीन थेरेपी फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस टॉक्सिकोसिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन क्या होगी रेडियो आयोडीन थेरेपी की फॉर थायरो टॉक्सिकोसिस हाइपोथायरेडिज्म हाइपोपैराथिजम लेट डेवलपमेंट ऑफ मिलिग्नेंसी या री रिकरेंस तो इसका क्या सही आंसर होगा इसका होगा हाइपो hyperglycemia next question is symptom of hypoglycemia usually does not occur until the blood glucose level is less than जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसके जो सिम्टम होते हैं यूजली अकर नहीं होते हैं जब तक आपका ग्लूकोस लेवल कितने से कम ना हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 60 to 70 mg/dl 50 टू सिक्सटी एम जी पर डी एल फोर्टी टू सेवेंटी एम जी पर डी एल या ट्वेंटी टू थर्टी एम जी पर डी एल तो इसका सही आंसर होगा बी फिफ्टी टू सिक्सटी एम जी पर डी एल नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू रीड मोन्टोक्स टेस्ट तो मॉन्टोक्स टेस्ट को रीड करने के लिए कितना टाइम जो है आपका रिक्वायर होता है तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसका आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं आपको इसका आंसर बाय हार्ट होना चाहिए इसका होता है फ़ोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स तो ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए इसके लिए आपको ऑप्शंस की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स इसका टाइमिंग होती है रीड करने की नेक्स्ट हम जी के सेशन करेंगे जी के रीजनिंग हिंदी इंग्लिश सभी इसमें आ जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पे हमने जीके के क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में इस बार आ सकते हैं और हिमाचल जीके से रिगार्डिंग है और इनके हमने डायरेक्ट आंसर दिए हैं तो आपको इनमें से ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और ये आपको मैं डायरेक्ट बता देती हूँ क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने हमारा आपको पता ही होगा कि टें अप्रैल को टेस्ट है तो अगर हम आज पढ़ेंगे या सुनेंगे भी तब भी आपको याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन देखते ही इसका पता लग जाएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विद रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश सिड्डू इज़ ए हिमाचल प्रदेश में सिड्डू क्या है सिड्डू क्या है सिड्डू एक फेमस ट्रेडिशनल डिश है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज इन टांडा इज़ सिचुएट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी राजर प्रसाद मेडिकल कॉलेज इन टांडा कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और एस्टैब्लिश हुआ है नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में तो वो एस्टेब्लिशमेंट ईयर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत सारे लिखे हुए हैं आगे भी आपको दिखाई देंगे तो ये इसलिए लिखे हैं कि समटाइम्स आपको एस्टब्लिशमेंट ईयर्स भी आ जाते हैं बहुत रेयर है आएंगे बट आ सकते हैं तो यहाँ पे एस्टब्लिशमेंट ईयरस भी लिखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंटेन डे इन हिमाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड ऑन हिमाचल का टेस्ट दे रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है माउंटेन डे कब मनाया जाता है और एक बात और बता दूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे आपको क्वेश्चन नर्सिंग के भी अदर भी तो फर्स्ट नवंबर को ये मनाया जाता है और इसको पहाड़ी दिवस भी कहते हैं फेमस भूतनाथ टेम्पल इज़ सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट है फेमस भूतनाथ टेम्पल तो ये लोकेट है मंडी डिस्ट्रिक्ट में और एस्टेब्लिश किसके द्वारा बनवाया गया था ये राजा अजवर सेन के द्वारा बनाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू आर पासिंग थ्रू द सांगला वैली यू आर टोरिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी अगर आप सांगला वैली को पास कर रहे हो तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल की तो इसका आंसर है किन्नौर किन्नौर में है सांगला वैली और जो है सांगला वैली को हम और क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बासपा वैली द फेमस भूरी सिंह म्यूज़ियम इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फेमस बूरी सिंह म्यूजियम पे स्थित है, है चंबा डिस्ट्रिक्ट में और एस्टेब्लिश हुआ था 1908 में 1908 में नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज रिलेटेड विद नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो हम तीन सेशन इसके करने वाले हैं मैं अदर वीडियोज़ भी बनाने वाली हूँ अगर आप इस वीडियो को ये अच्छी लगे तो अदर वीडियोज़ भी आप देखना उसमें आपको सारे जो हैं नाथवा झाकड़ी सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के जो हैं क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है तो स्टार्ट करते हैं कहाँ पे है ये सतलुज रिवर पे है और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है किन्नौर में है नाथपा झागड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी फेमस फॉर पिन वैली नेशनल पार्क नेशनल पार्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्क तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है नाथपा सॉरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है पिन वैली नेशनल पार्क ये है लाहौल स्पीति में और एस्टेब्लिश कब हुआ था उन्नीस सौ सतासी में नाइनटीन एटी सेवन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरमौर सिरमौर में कौन सी लेक है तो ये है रेणुका और रेणुका का एक और रेणुका जो है लेक है रेणुका झील है इसका क्वेश्चन एक और आता है कि सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन है हिमाचल की तो ये भी रेणुका है इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन एच पी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सन टेम्पल इज लोकेट सन टेम्पल कहाँ पर लोकेट है हिमाचल में तो ये है नीरथ नीरथ नाम है जगह का नियर रामपुर इन एच पी अगर आपको इंडिया का कह, कहा जाए तो कोणार्क में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द फेमस फेयर इन रामपुर रामपुर का फेमस फेयर कौन सा है फेमस मेला कौन सा है तो लवी मेला रामपुर का फेमस मेला है और ये ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फेयर भी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नंबर ऑफ एच पी लेजिटिव असेंबली मेम्बर्स जो हिमाचल की लेजिस्टिव असम्बली के मेम्बर्स हैं वो कितने हैं तो इसका सही आंसर है सिक्सटी एट जो हैं आपके हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ एच पी इज़ नेम्ड हाइएस्ट माउंटेन होता है जो हिमाचल का उसका क्या नाम है उसका नाम है शीला और लोकेट है किन्नौर में है तो यह आपको याद रखना है किन्नौर में शीला नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहन मेक इन ब्रेवरी इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है मोहन मेक इन डेबडी ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाभारत वाज रिटन बाय महाभारत किसके द्वारा लिखा गया ये है वेद व्यास के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेर आर डैश यूनियन टेरिटरीज कितनी है यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंट टाइम में एट आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज हनी का मेजर कंपोनेंट क्या है तो इसका आंसर है प्रोक्टोस तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जब आपको ये क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोक्टोस जो है मेजर कंपोनेंट है हनी का शहद का साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू जो साउंड वेव होती है किसके थ्रू नहीं पास हो सकती यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए सॉलिड लिक्विड मिक्सचर एंड आइडियल गैस ए लिक्विड गैस मिक्सचर या परफेक्ट वैक्यूम तो इसका सही आंसर है डी ए परफेक्ट वैक्यूम नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एटीन लाइट ईयर इज़ रिलेटेड टू लाइट ईयर रिलेटेड है एनर्जी स्पीड डिस्टेंस या डेंसिटी तो इसका सही आंसर होगा डिस्टेंस डिस्टेंस से रिलेटेड है लाइट ईयर यहाँ पे आंसर डी लिखा हुआ है लेकिन इसका आंसर सी है डिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिरर यूज़ इन ऑटोमोबाइल टू सी द रियर फील्ड ऑफ व्यू इज़ द जो मिरर होता है ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है वो देखने के लिए रियर फील्ड ऑफ़ व्यू इज़ तो वो कौन सा होता है मिरर कनकेव कन्वेक्स प्लेन या नन ऑफ दीस तो वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसेस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड एलेवन द लोस्ट लिटरेसी रेट इन जो सेंसेस हुए थे जनगणना हुई थी दो हजार ग्यारह की उसमें सबसे लोवस्ट लि, लिटरेसी रेट कौन से कहाँ का था तो बिहार का सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट था नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ आर बी आई लोकेटेड आर बी आई का हेड ऑफिस कहाँ है तो ये मुंबई में है कोलकाता में नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुल फाइटिंग इज द नेशनल गेम ऑफ बुल फाइटिंग नेशनल गेम है कहाँ की स्पेन की नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईरानी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं क्रिकेट हॉकी फुटबॉल या लॉन टेनिस तो जो ईरानी ट्रॉफी है वो क्रिकेट की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश नंबर ऑफ नेशन ऑफ़ यूएनओ यूएनओ के कितने नंबर ऑफ नेशंस है वन नाइन्टी थ्री हैं प्रेजेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द ऑड वन आउट ऑड इसमें चूज़ करना है मैरीगोल्ड लिली लोटस फ्लावर तो इसमें जो है ऑड है आपका फ्लावर क्यों है और मैरीगोल्ड लिली और लोटस ये आपके फ्लावर्स के नेम हैं और यहाँ पे सिंपल फ्लावर्स लिखा है तो डी इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीट द सीरीज सीरीज़ कंप्लीट करनी है यहाँ पे लिखा है जेड नाइन वाई एक्स सेवन डब्ल्यू वी फाइव यू टी थ्री एस तो आपने कैसे इसको करना है यहाँ पे आप देख सकते हो नाइन है सेवन है फाइव है थ्री है यहाँ पे आप देख सकते हो और नंबर्स हैं नाइन नाइन में में से माइनस किया टू सेवन सेवन में से माइनस किया टू फाइव फाइव में से माइनस किया थ्री और अब आएगा यहाँ पे वन और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आना है वो हम देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जेड वाई यहाँ पे आप देख सकते हो एस एस के साथ टी है यू के साथ v है w के साथ x है y के साथ z है तो ऐसे सीरीज हैं तो यहां पे आएगा आपका Q Q के साथ क्या आएगा आपका R तो यहां पे R वन Q कहां पे है D D में है तो ये आपका सही आंसर होगा राइट आंसर इज आंसर D R वन Q गिव एंटोनिमस ऑफ़ वर्च्यू वर्च्यू काटर्नमेंस क्या होता है इसका अंटर्नमेंस होता है वाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू आवर ओल्डर्स सॉरी वी शुड बी रिस्पेक्टफुल यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा टू यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं फॉर टू एंड बाय तो इसमें टू आएगा वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू आवर ओल्डर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्डर्स सॉरी द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पॉलिटी जिनोलॉजी डेमोग्राफी या एंथनोलॉजी इसका सही आंसर होगा डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज डेमोग्राफी नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वागत का संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे ऑप्शन है स्व प्लस आगत स्व प्लस आगत सुगत या सु प्लस वागत तो इसका सही आंसर होगा सी सु प्लस आगत नेक्स्ट क्वेश्चन इस साधु ने लोगों से कहा कि आप माया रूपी संसार त्याग दो वाक्य में सर्वनाम क्या है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वनाम क्या होता है सर्वनाम वो होता है जो हम संज्ञा की जगह पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है साधु लोगों आप या संसार तो यहाँ पे सर्वनाम है लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ समर का प्रयावाची क्या है अमृत जंगल कोमल या रण तो समर का प्रयावाची है रण नेक्स्ट क्वेश्चन इज कान गर्म करना मुहावरे का अर्थ है क्या अर्थ है कान गर्म करना का रिश्वत देना गाली देना चुगली करना या सजा देना तो इसका सही आंसर है सजा देना आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन इस तो आज के सेशन में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप औरों को भी शेयर करना जो जो एच पी का एग्ज़ाम दे रहे हैं नौ सौ पोस्ट कोड का वो सभी को शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बना दूँगी मैं और अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप मेरी मेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो वहाँ पे भी मैं अगर आपको जो है पीडीएफ जो है सेंड कर दूँगी और ऐसी ही वीडियोस जो है टीचिंग की या वैकेंसी से रिलेटेड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए Like, share and subscribe my channel and thanks for watching.